कैसे हैं आप सब। मैं नेहा दमायास चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में गाइस मैं आपको कोजी केयर स्किन वाइटनिंग फेयरनेस ऑयल के बारे में रिव्यू दूंगी। इसके बारे में बताऊंगी कि ये ऑयल आपकी स्किन को, आपकी त्वचा को किस तरीके से फायदा देता है। डिटेल में गाइस आज अपन इसका रिव्यू करेंगे, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, यूजेस, प्राइस एंड सबके बारे में। से पहले गाइस अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज गाइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर प्रेस कर दें जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट किए अपन बात कर लेते हैं कोजी केयर ब्रांड के स्किन वाइटनिंग फेयरनेस ऑयल के बारे में, जो कि गाइस आपकी त्वचा से संबंधित समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। इससे पहले गाइस आपने वीडियो में देखा होगा, हमने आपको कोजी केयर के एक क्रीम का रिव्यू किया था जो कि गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छी आपके चेहरे से पिगमेंटेशन, दाग धब्बों को दूर करने में मदद करती है। तो गाइस कोजी केयर ब्रांड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जिसके मार्केट में काफ़ी सारे प्रोडक्ट भी मिलते हैं, फेस वॉश, क्रीम, ऑयल, बहुत सारी चीज़ अवेलेबल हैं गाइस। तो बात कर लेते हैं इस ऑयल के बारे में। अगर गाइस आपके चेहरे पर डार्क स्पॉट हो, पिगमेंटेशन हो रही हो, या फिर आपकी त्वचा पर बहुत ही ज़्यादा टैनिंग हो, या गाइस आपके स्किन पर फाइन लाइंस और रिंकल्स दिखाई दे रहे हो, तो आप इस ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपके डार्क स्पॉट को और जो पिगमेंटेशन है उसे एकदम लाइट बनाने में मदद करता है और आपके स्किन को सूर्य से आने वाली जो घातक अल्ट्रावायलेट किरणों होती हैं उनसे प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। आपके चेहरे से टैनिंग को हटाएगा और जो फाइन लाइंस और रिंकल्स है उन्हें भी रिमूव करने में मदद करता है। आपकी जो अनइवन स्किन है उसे एकदम इवन टोन देने में मदद करता है। ये गाइस आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, स्मूथ बनाने में मदद करता है, नॉरिश करता है, नेचुरल ग्लो देने में मदद करेगा। ये ऑयल गाइस आपकी स्किन के अंदर इजीली तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर अपन इसके इंग्रेडिएंट के बारे में बात करें कि इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट प्रेजेंट हैं, तो गाइस इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपकी स्किन को साइड इफेक्ट करे। इसके अंदर है कोजिक एसिड, एरबुटेन, विटामिन ई है और ग्लूटाथोन है, जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज और हाइड्रेट करने में मदद करता है और आपके जो चेहरे की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें भी हटा देगा, उन्हें रिमूव करने में मदद करता है। जो एक्ने पोर्स हैं, ब्लैकहेड्स हैं, फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, सबको रिड्यूस कर देगा गाइस। हाइपरपिगमेंटेशन को भी रिमूव करने में मदद करेगा। ये आपकी त्वचा के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा ऑयल है। तो इसको यूज करने का तरीका गाइस ये है कि आपको स्मॉल क्वांटिटी में इसकी मात्रा लेनी है और इसे अपने पूरे चेहरे पर लगाना है। हल्के हाथों से आपको मसाज करनी है अपने चेहरे पर और फिर 10-15 मिनट के लिए उसे ऐसा कैसा रख देना है। बेस्ट रिजल्ट पाना चाहते हैं गाइज, अगर आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट पाना चाहते हैं तो इसकी जो क्रीम है उसका भी इस्तेमाल करें, वो जिससे आपकी जो त्वचा से संबंधित समस्याएं हैं वो पूरी तरीके से दूर होंगी। आप बोलेंगे कि हम कोजी केयर फेयरनेस ऑयल को ही क्यों इस्तेमाल करें, क्योंकि गाइज ये आपकी त्वचा को फेयर बनाएगा और ये फाइन लाइंस, एक्ने, ब्लैकहेड्स, जो एजिंग है उन सबको लाइट करने में मदद करता है और आपकी त्वचा को इवन टोन देने का काम करेगा। बहुत ही अच्छा है गाइस आपकी ये त्वचा के लिए। अगर आपकी त्वचा पर कोई अन्य प्रकार की प्रॉब्लम हो तो इसे लगाने से पहले डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर करें, डॉक्टर से कंसल्ट के बिना इसका इस्तेमाल ना करें। प्राइस की अगर अपन बात करें तो गाइस इसका प्राइस अफोर्डेबल है। 60 ml की जो आपको इसकी पैकेजिंग मिलेगी 199 रुपये में मिल जाएगी। इजीली तरीके से गाइस आप इसे परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन खरीद सकते हैं, मार्केट से भी खरीद सकते हैं, जैसा आपको सही लगे गाइस। जहाँ सस्ता अफोर्डेबल लगे वहीं से आप इसको परचेज करें, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। मैं भी गाइस आपको ऑनलाइन खरीदने के लिए सजेस्ट करूंगी, या फिर जहाँ आपको सस्ता लगे, सस्ता मिले, मैं आपको वहीं से ही खरीदने के लिए सजेस्ट करूंगी। काफ़ी अच्छा है गाइस, अगर आप अपने चेहरे की पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट को रिमूव करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसके अंदर गाइस एंटीऑक्सीडेंट गुड़ पाए जाते हैं जो कि आपकी त्वचा को रिपेयर करने में मदद करते हैं, आपके जो स्किन का टेक्सचर है उसे इंप्रूव करने में मदद करता है। ये गाइस ऑयल आपकी स्किन को बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं करेगा, आसानी से क्विकली तरीके से ये एब्जॉर्ब हो जाएगा आपकी स्किन के अंदर। तो आप इसका इस्तेमाल जरूर करें गाइस, पर याद रखें अगर आपको कोई और अदर स्किन प्रॉब्लम हो या फिर आपको हर कोई क्रीम या फेस वॉश या ऑयल सूट नहीं करता हो तो इसे लगाने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। सो गाइस आज की वीडियो में बस आपको इतना ही बताना चाहूंगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारे नए
नए नए वीडियो के अपडेट मिलती रहे, नई नई जानकारियां मिलती रहे। और गाइस बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए, जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचती रहे और उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आपका कन्फ्यूजन दूर होता रहे। फिर भी गाइस अगर आपको इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग या किसी अदर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी जाननी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी जाके कमेंट कर सकते हैं। हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, आपकी सहायता जरूर करेंगे। सो गाइस हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।